गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। आप सभी ने काफ़ी मेहनत किया था दोस्तों कि चौथे राउंड काउंसलिंग का डेट बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, और बहुत सारे मेल भी आपने किए थे झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को। मैंने भी बहुत सारे मेल किए थे। फाइनली डेट जो है आपका एक्सटेंड किया गया है और आपको चौथे राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का फिर से मौका दिया गया है। तो आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि ये अंतिम राउंड का काउंसलिंग होगा, लेकिन फिर भी सीट बचते हैं। अगर 25% से अधिक सीटें बचती हैं तो फिर से आपका काउंसलिंग के लिए आवेदन मांगा जाएगा, यानी कि पांचवें राउंड का काउंसलिंग करवाया जाएगा। साथियों, फिलहाल ये चौथे राउंड का काउंसलिंग है। 6 तारीख तक आप यहाँ पर काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अगर जो भी साथी काउंसलिंग नहीं किए थे वो फिर से काउंसलिंग कर सकते हैं। ये विज्ञापन कल ही जारी किया गया था, तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो अभी मॉर्निंग में फ्री हुआ हूँ तो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। टेलीग्राम में आपको PDF मिल गया है, ऑफिशियल वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। BEd MEd BPed संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के परीक्षा फल के आधार पर पूर्व निर्धारित चतुर्थ, जो पहले फोर्थ राउंड जिसको अंतिम कहा जा रहा है, ऑनलाइन साक्षात्कारों की तिथियों में परिवर्तन से संबंधित आवश्यक सूचना है। ये तो यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, तो 3/10/2024 से 6/10/2024 तक, यानी कि कल रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो चौथे राउंड काउंसलिंग के लिए। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपका पब्लिश हो जाएगा साथियों। मॉडिफाइड डेट है 8/10/2024 से 20/10/2024 के बीच में। वहीं आपका एडमिशन का जो प्रक्रिया चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट, तो 14 तारीख से आप एडमिशन ले सकते हैं। 14 तारीख से 20 तारीख के बीच में आप चौथे राउंड में जितने भी साथियों को अलॉट होगा वो एडमिशन ले सकते हैं, नामांकन ले सकते हैं 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक। सीट अलॉटमेंट जो है आपका 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, एक दो दिन आगे भी हो सकता है, 11-12 को भी आ सकता है, यानी कि 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपका सीट अलॉटमेंट लेटर पब्लिश होगा चौथे राउंड काउंसलिंग के लिए। फिलहाल ये मॉडिफाइड डेट है, रिवाइज डेट है, तो आप लोग जो भी बचे हुए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था वे आवेदन करें और आगे के अपडेट के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जोहार।